पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी के मुख्य अतिथित्व में 26 नवंबर को महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में संविधान दिवस मनाने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में मुख्यालय स्थित सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं पढ़ी गई। इसी क्रम में महाप्रबंधक श्री त्रिपाठी ने रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई। इस अवसर पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अमिताभ ओझा सहित विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्ष रेल अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह का संचालन मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने किया। होने के नाते शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करूँगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखूंगा और उनका पालन करूंगा। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करूंगा और उसे अक्षुण्ण रखूंगा। देश की रक्षा करूंगा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करूंगा। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करूंगा, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करूंगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझूंगा और उसका परिरक्षण करूंगा। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन जीव नदी और वन्य जीव है उनकी रक्षा करूंगा और उसका संवर्धन करूंगा तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखूंगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करूंगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखूंगा और हिंसा से दूर रहूंगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करूंगा, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करूंगा। जय हिंद।